लाहौर की बादशाही मस्जिद पर लश्करे तोयबा के सदस्यों से मुलाकात करते हुए जाकिर नालायक को देखा गया। मुजम्मिल इकबाल हाशमी, मोहम्मद हारिस थार और फैसल नदीम से मुलाकात की है ये, और ये तीनों 2008 के घोषित किए हुए अमेरिका द्वारा आतंकी आपस में बातें कर रहे हैं, बड़े मुश्किल हो रहे हैं और इस मेजर प्रॉब्लम पे हम कई दफा चुप हो जाते हैं, बैकफुट पे चले जाते हैं, हिंदुस्तान एक्शन लेता है फिर हम जाग जाते हैं। दिस इज नॉट द वे टू डू इट। जाकिर नाइक जो पाकिस्तान में मौजूद है वो भी कह रहे हैं मैं पाकिस्तान में एक नहीं हर शहर में मदरसा यूनिवर्सिटी मतलब ये खोलने जा रहा हूँ। तो मैंने इरादा किया चंद दिनों पहले हर इम्पोर्टेंट शहर में पाकिस्तान के, कराची हो, लाहौर हो, इस्लामाबाद हो। जिस चौक में इस वक्त हम खड़े हैं यहाँ पे सैकड़ों दीनी मदारिस और मुख्तलिफ तरह के चंदे के गले लगे, वो देखे सामने वो भी चंदा प्राय मस्जिद वो लिखा, ठीक है। जब गैर मुल्की यहाँ आते हैं वो देखते हैं कि यहाँ जगह जगह पे उन्होंने डोनेशन के बॉक्सेस लगाए हैं, मत कोई पूछने वाला नहीं इनको, तो पाकिस्तान का इमेज ये जाता है कि ये सारी कौम मांगने भी लगी हुई है, इनके वजीर आजम ही मांगते हैं। तो अपने हुक्मरानों को भी मैं ये बात समझाना चाह रहा हूँ, अब बात सुनो, अकेली जो इकोनॉमी होती है दैट्स नॉट इनफ, लोगों को जलील और खार करना आज नहीं तो कल, इसकी भी कोई ना कोई तो कीमत होगी ना भाई। आप वहाँ मदारस की हिस्ट्री तो पढ़ें, उस वक्त के जो मदारस थे वहाँ में फलसफा केमिस्ट्री टिप आप देखें तो सही यार। हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एपीएन चैनल पे। तो फ्रेंड्स आइए देखते हैं पाकिस्तानी मीडिया की लेटेस्ट वीडियो। तो दोस्तों इसमें बड़ी खबर निकल के आ रही है कि पाकिस्तान के अंदर जो जाकिर नाइक बैठा है उसने पाकिस्तान के अंदर मौजूद लश्कर तोयबा के आतंकियों से मुलाकात की है, जिसमें नोट करने वाली बात यह है कि जिन आतंकियों से जाकिर नाइक ने मुलाकात की है वो सारे भारत के अंदर 2008 में हुए आतंकी हमले के अंदर मेन अक्यूज्ड हैं और इनफैक्ट जिनको कि अमेरिका में भी वांटेड आतंकियों की लिस्ट में शामिल कर रखा है। तो ऐसे में जाकिर नाइक जो कि अपने आप को एक इस्लामिक स्कॉलर मानता है और इनफैक्ट उसको मुस्लिम दुनिया भी उसी नज़रिए से देखती है, तो ऐसे में एक इस्लामिक स्कॉलर या विद्वान का किसी आतंकियों से मिलने का क्या काम। लेकिन हैरत की बात यह है कि जिस पर कोई भी पाकिस्तानी इस पर आवाज़ नहीं उठा रहा, लेकिन फिर यही पाकिस्तानी दिन रात चिल्लाते रहते हैं कि क्यों दुनिया मुसलमानों को आतंक से जोड़ देती है और क्यों दुनिया भर के अंदर कई देशों से मुसलमान लोग खासतौर से जो पाकिस्तान और बांग्लादेश से संबंधित है उनको लात मार के बाहर भगाया जा रहा है। तो दोस्तों आइए देखते हैं पाकिस्तानी मीडिया की इस लेटेस्ट वीडियो को। साथ ही आपसे रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब करके हमें सहयोग दें और उसके लिए इस वीडियो के नीचे जो रेड बटन है उस पर क्लिक करें। थैंक यू। तो भाई जिस सवाल का जवाब ढूंढने के लिए हिंदुस्तान पाकिस्तान के आवाम समेत हिंदुस्तान पाकिस्तान की मीडिया लगी हुई थी और किसी को उस सवाल का जवाब नहीं मिल पा रहा था, वो सवाल आखिर जाकिर नालायक को पाकिस्तान सरकार ने सरकारी मेहमान बनाकर क्यों बुलाया है, इस सवाल का जवाब मेरे पास है और मैं आप सबको उस सवाल का जवाब बताती हूँ कि आखिर पाकिस्तान सरकार डॉक्टर जाकिर नालायक को सरकारी मेहमान बनाकर क्यों पाकिस्तान लेकर गई जाकिर नालायक लश्कर तोयबा के सदस्यों से मिलने के लिए। जी हाँ, आपने बिल्कुल सही सुना है, लाहौर की बादशाही मस्जिद पर लश्कर तोयबा के सदस्यों से मुलाकात करते हुए जाकिर नालायक को देखा गया। लश्कर के आतंकी जो सदस्य हैं और लश्कर के कमांडर मुजम्मिल इकबाल हाशमी, मोहम्मद हारिस थार और फैसल नदीम से मुलाकात की है, ये इंडिया टुडे की रिपोर्ट है, और ये तीनों 2008 के घोषित किए हुए अमेरिका द्वारा आतंकी, ये तीनों के तीनों आतंकी जिनसे मुलाकात जाकिर नालायक ने की लाहौर की बादशाही मस्जिद पर, तीनों से मुलाकात करते हुए जाकिर नालायक को देखा गया और वहां पर लगभग 1.5 लाख लोग इकट्ठा हुए थे जाकिर नालायक की नालायक बातें सुनने के लिए और इसका पूरा प्रचार प्रसार इन्हीं तीनों आतंकियों ने किया था। इन आतंकियों ने पूरे आवाम से अपील की कि जाकिर नालायक के इजलास में शामिल हों, ज्यादा से ज्यादा लोग आए, और जिसके बड़े सोशल मीडिया पर प्रचार प्रसार की जिम्मेदारी लश्कर तोयबा के इन आतंकियों ने ली थी। और ये लश्कर तोयबा के कमांडर सदस्य जिन जो अमेरिका द्वारा आतंकी घोषित किए गए हैं और 2008 में जो भारत में मुंबई में हमला हुआ था उसमें भी हमले में लश्कर तोयबा शामिल था, जो आम भारतीयों को मारने के लिए जिम्मेदार है, हमारे सिक्योरिटी पर्सनल को मारने के लिए जिन्होंने जो वीरगति को प्राप्त हुए, जिन्होंने भारत मां के लिए कुर्बानी दी, और वो सिविलियंस जिनकी कोई गलती नहीं थी
उनको आतंकवाद का निशाना बनाएगा। ये एक बार फिर से दुनिया के सामने बड़ा कंसर्न खड़ा हो गया कि पाकिस्तान में जाकिर नलायक का पहुंचना, एक स्टेट गेस्ट के तौर पर वहां पर जाकर लश्करे तोयबा के आतंकियों से मिलना। जाकिर नायक साहब की एक और वीडियो जो है, या क्लिप कह लीजिए, या उनकी बात जो है वो काफी वायरल हो रही है। मैं ये चाहती हूँ कि आपकी बड़ी मेहरबानी कि आप इस्लामिक इंटरनेशनल स्कूल पाकिस्तान में बनाएं, हम अपने बच्चों को वहां पढ़ाना चाहते हैं। तो मैंने इरादा किया चंद दिनों पहले, हम इस्लामिक यूनिवर्सिटी कायम करेंगे, ना के पाकिस्तान में, इंशाअल्लाह हर इम्पोर्टेंट शहर में पाकिस्तान के, कराची हो, लाहौर हो, इस्लामाबाद हो। लेकिन बाल वो साहिबा जो ये रिक्वेस्ट कर रही थी या ये सवाल कर रही थी, उनको ये जरूर देख लेना चाहिए था कि पाकिस्तान में पहले ही मदरसों की भरमार है। स्कूल जो नॉर्मल स्कूल होते हैं, जिसमें कोई नॉर्मल बच्चे पढ़ते हैं, जिसमें एक आम एजुकेशन दी जाती है, साइंस की, टेक्नोलॉजी की, इंग्लिश की, वो स्कूल कम है, लेकिन मदरसे जो है पाकिस्तान में भरे पड़े हैं। और यही वजह है कि हम देखते हैं कि हमारे लोग जो हैं वो एक तरह से एक्सट्रीमिज्म की तरफ बढ़ते चले जा रहे हैं, और उधर से रोकने का कोई रास्ता हमें दिखाई नहीं दे रहा। क्या कहना चाहेंगे इसके ऊपर? अभी डॉक्टर नाइक जो पाकिस्तान में मौजूद है, वो भी कह रहे हैं मैं पाकिस्तान में एक नहीं हर शहर में मदरसा, यूनिवर्सिटी, मतलब ये खोलने जा रहा हूँ। इसकी वजह क्या है? क्या लोगों को दीन की तरफ, या फिर इसके पीछे कोई और रीजन भी हो सकती है? बात यह है कि दीन की खिदमत करना हर मुसलमान की ख्वाहिश है, हर मुसलमान चाहता है कि मैं दीन की खिदमत करूं। लेकिन बात यह है कि दीनी मदारिस खोलना बड़ी अच्छी बात है, लेकिन इस अच्छी बात को गवर्नमेंट के अंडर होना चाहिए, हुकूमत को पता होना चाहिए कि इन मदारिस को जो फंडिंग आ रही है ये कहाँ से आ रही है, और ये सारा पैसा जिन मकासिद के लिए लिया जा रहा है वहाँ पे इस्तेमाल हो भी रहा है या नहीं हो रहा, और अगर नहीं हो रहा तो वो पैसा कहाँ जा रहा है? और जब आलमी इदारे जो है IMF वगैरह, या वो कहते हैं जी आपके यहाँ तो इंतहा पसंदी जो है वो पैदा हो रही है, मदारिस की वजह से पैदा हो रही है, जिसकी वजह से गैर मुल्की जो यहाँ अनसेफ हो जाते हैं, उनको फायरिंग होती है। यहाँ पर तो जितने दीनी मदारिस हैं सबका अपना अपना लिटरेचर है, सब अपना अपना लिटरेचर पढ़ा रहे हैं बच्चों को, और अपनी अपनी नजरियात दे रहे हैं। उसकी वजह से भी हमारे माशरे के अंदर बहुत सारे क्लैशेज हैं, ठीक है ना, उसी लिटरेचर की वजह से बहुत ज्यादा क्लैशेज हैं। वो डोनेशन जो आपने बताया कहाँ कहाँ कैसे कैसे लगती है, ये आम पब्लिक को कैसे इस चीज का पता चलेगा? मैं डोनेशन के मुतालिक आपके एक बड़ी अहम बात जो है वो करना जरूरी समझता हूँ। जिस चौक में इस वक्त हम खड़े हैं, यहाँ पे सैकड़ों दीनी मदारिस और मुख्तलिफ तरह के चंदे के गले लगे, वो देखे सामने, वो भी चंदा बराए मस्जिद वो लिखा, ठीक है, चंदा लगा, जगह जगह पे जगा वो चंदे के बॉक्सेस लगे हुए हैं, और लोग आते क्या पैसे कहाँ रहे ये कोई पता नहीं है, ये किस मदरसे का है, किस मस्जिद का है, ये भी नहीं पता। सदकात के फायदे हैं, लेकिन पाकिस्तान का इमेज खराब होता है जब गैर मुल्की यहाँ आते हैं, वो देखते हैं कि यहाँ जगह जगह पे उन्होंने सदके के डोनेशन के बॉक्सेस लगाए, मदारिस के लिए बॉक्सेस लगाए, मस्जिदों के लिए बॉक्सेस लगाए हुए हैं, कोई चेक एंड बैलेंस नहीं, कोई चेक एंड बैलेंस नहीं, कोई पूछने वाला नहीं इनको, तो पाकिस्तान का इमेज ये जाता है कि ये सारी कौम मांगने भी लगी हुई है। हाँ। इनके वजीर आजम भी मांगते हैं, इनके मौलाना भी हजरात मांगते हैं, दीनी मदारिस भी मांगते हैं, तो ये सारे मांगने भी लगे हुए हैं, और वो फिर अपने न्यूज चैनलों पे जाकर हमें भिखारी कौम कहते हैं, इस किस्म की बातें फिर सुन के हमें भी अच्छा नहीं लगता।